हेलो बच्चों, कैसे हो आप बच्चों? चलो आज पढ़ने जा रहे हैं हमारी कक्षा 8 का 13वां पाठ। आज मैं इसका तीसरा भाग पढ़ाने जा रही हूँ। दो भाग हम इसके पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आज हम अपने पाठ का तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पाठ का नाम क्या है? जहाँ पहिया है। और पाठ को जो लिखा है जिन्होंने, वो है पी साईनाथ जी। पी साईनाथ जी ने इस पाठ को लिखा है। पी साईनाथ जी बच्चों एक रिपोर्टर हैं जिन्होंने खुद इस आंदोलन को, महिलाओं के आंदोलन को खुद कवरेज किया था, तो उन्होंने इस पाठ का अनुवाद किया है। बहुत अच्छा सा पाठ है ये, जैसे मैंने दो भाग में पहले पढ़ा दिया है। आज हम उससे आगे का पाठ शुरू करने जा रहे हैं, तो चलो पाठ शुरू करते हैं। कि जैसे महिलाओं ने साइकिल चलाना जब सीख लिया था, तो उससे उनका रोजमर्रा का जो काम था वो आसान हो गया था। वो अपना रोजाना काम बड़ी आसानी से कर लिया करती थी। साइकिल से अब वो कहीं भी आ जा सकती थी। अब उन्हें दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ता था। वो किसी भी इलाके में, एक इलाके से दूसरे इलाके में आसानी से साइकिल के माध्यम से पहुंच जाती थी। इससे उनका जो समय बचता था, उससे वो अपना दूसरा कार्य जल्दी कर लेती थी, क्योंकि पहले उनका काफी समय इसी में चला जाता था, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने तक। इलाके से अगर दूसरे इलाके में जाओगे, पैदल जाओगे या बसों का इंतजार, और कहीं कहीं तो बसें ही नहीं थी, पैदल ही जाना पड़ता था, तो वो सारा समय उनका बचने लगा था। अब वो अपना सारा काम खुद कर लिया करती थी। इसमें वहाँ की जो नर्सिस थी, वहाँ पे जो समाज सेविकाएं थी, ग्राम सभा की जो सेविकाएं होती हैं, और जो टीचर्स यानी अध्यापिका थी, और आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता थी, ये सारी कार्यकर्ताओं के लिए अब सारा काम बड़ा आसान हो गया था। वो साइकिल से अपना हर काम आसानी से कर लिया करती थी। अब क्या था, किसी युवा माँ को आगे बच्चे को बैठाए देखा जाता था साइकिल पे। अब क्या होता था, बच्चे भी होते हैं छोटे छोटे, तो माएं क्या करती थी, आगे बास्केट एक टोकरी लगा लेती, उन्होंने उसमें अपने बच्चे को बिठा लिया, और अपने बच्चे का भी उनका ध्यान रख लेती थी और अपना काम भी कर लिया। अब उनके लिए कोई परेशानी नहीं थी कि अपने बच्चे को कहाँ छोड़े, तो वो अपने बच्चे को आगे बिठा लिया और पीछे अपना सामान साइकिल पे बांध कर वो कहीं भी आ जा सकती थी। उसके लिए कई बार अब हर जगह यही नज़ारा देखा जाता था कि अपने बच्चों को बिठा बिठा के भी महिलाएं किस तरीके से सारा कार्य कर रही हैं। यहाँ की महिलाओं की आर्थिक पहलू की तुलना में अपने अंदर आए आत्मसम्मान की भावना ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है। यहाँ पे क्या देखा गया था कि यहाँ की जो महिलाएं थी, उनके अंदर एक आत्मसम्मान की भावना आई थी अपने अंदर, और ये आना महत्वपूर्ण भी दिखाई देता था। क्यों? कि वो उनके, मतलब जो महिलाएं आर्थिक पहलू की तुलना से अपने अंदर आए आत्मसम्मान की भावना ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है यहाँ की महिलाओं में, क्योंकि एक तो वो अपना सारा काम स्वयं करने लगी थी, तो एक अंदर से अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ जाता है, तो वो उनके अंदर देखा जाता था। फातिमा वहाँ की जो एक महिला है, वो बताती है कि मैं अपनी मर्जी से आनंद, मतलब स्वच्छंदता से साइकिल चलाने से आजादी और खुशहाली का अनुभव होता है। वो कहती है, जब हम अपने मन मन से साइकिल चलाते हैं, उससे मुझे एक तो बहुत खुशी मिलती है, दूसरे आनंद आता है साइकिल चलाने से, और स्वच्छंदता यानी आजादी, उन्हें आजादी का अनुभव भी इससे होता है साइकिल चलाने से। वो सोचती है कि मैं आजाद हूँ, अब मैं किसी के आश्रित या किसी के बंधन में नहीं हूँ कि किसी दूसरे के आश्रित रहूँ, वो मुझे लेके जाए तो ही मैं कहीं जा पाऊँ। अब मैं स्वयं अपनी साइकिल लेती हूँ और अपना काम कर सकती हूँ, तो इससे वो एक आजादी का अनुभव महसूस करती हैं, खुशहाली उनको, यानी जब हम आजादी से जीते हैं तो हमें खुशियां भी हमारे साथ होती हैं, तो वो अंदर से जो एक खुशी महसूस देती है वो भी उनके अंदर होती है। फातिमा साइकिल से कमाई नहीं करती, बल्कि किराए पर साइकिल लेकर आजादी अनुभव करती हैं। फातिमा जो है वो साइकिल, वो टीचर है, अध्यापिका है, वो साइकिल से कोई पैसा नहीं कमाती। वो कहती है उससे तो उनका और पैसा खर्च ही होता है। वो किराए पर सुबह साइकिल लेती हैं, स्कूल जाती हैं, पाठशाला से वापस आकर किराए, मतलब वापस करती है साइकिल, तो उनको उसका किराया भी पे करना पड़ता है। उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो साइकिल सीख सके, वो सॉरी साइकिल खरीद सके, लेकिन फिर भी वो उसको बहुत आनंद के साथ रोज किराए पे साइकिल लेके अपने पाठशाला जाती हैं, और उससे वो बहुत ही खुश, अपने आप को खुश, मतलब बहुत अच्छा आनंददायक महसूस करती हैं। तो ये सब वो वहाँ की जो महिलाओं से जब बात की गई थी पुडुकोटई की, तो वहाँ की, और अन्नामलाई वहाँ की उन जगहों की महिलाओं ने ये सब बातें बताई। अन्य महिलाओं ने भी बताया कि साइकिल चलाना उनके लिए बड़ी चीज है। मतलब सारी महिलाएं वहां की, एक से एक अन्य महिलाएं, बहुत सारी महिलाओं से बात की, तो वो कह रहे थे हमारे लिए साइकिल चलाना किसी हवाई जहाज को चलाने से कम नहीं है। क्योंकि जब उनको कहीं, आपने देखा होगा बच्चों, जब पिछड़ी हुई जगहें होती हैं, उनके लिए, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है आज, लेकिन आज से कितने 35 साल पुरानी बातें हैं, 1992 के आंदोलन की बात हो रही है साइकिल के, तो आप सोचो कि 35-36 साल पहले ये सब होता था, उस समय की जो बात थी 35 साल पहले की, 92 की बात है ये, तो आप सोच लो 25 और 28-30 साल पहले की बात हो गई
हैं, 28-30 साल पहले की बातें हैं ये, तो उस समय 35 साल कह रही हूँ, सॉरी 28 मतलब 25 साल से तो पुरानी ही बात हो गई, 28 साल के करीब की बात हो गई। उस समय इतना स्कूटी बाइक मोटर ये सब इतना नहीं था, क्योंकि इनका चलन इतना ज़्यादा नहीं था, हर जगह उपलब्ध नहीं थी। आज आप 15-20 साल के, 15 साल के अंदर तो मैंने देखा है, अभी फिलहाल के 15 साल में तो हर घर में स्कूटी है, अगर 3 लोग हैं तो 3 स्कूटी आपको मौजूद हैं। लेकिन जो पुराने पिछड़े समय थे, इतनी साल पहले के, आज से 25 साल पहले के जो पुराने गाँव थे, और ये तो तमिलनाडु का सबसे उन गाँव में आता था जो सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता था उस प्रांत का, तो आप सोचो कि मतलब उन लोगों के लिए कितनी बड़ी बात रही होगी साइकिल चलाना सीखना। और जिसमें कि मतलब वहाँ के पुरुष वो महिलाएं बहुत पिछड़ी हुई थी, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था, तो उन्होंने कैसे इसे संघर्ष के रूप में भी अपनाया। तो वो कहती है इससे उनको बड़ी खुशी मिलती है, उनके लिए कोई हवाई जहाज चलाने से कम नहीं है साइकिल चलाना सीखना। पुरुष वर्ग इस बारे में चाहे जो सोचे, वो लोग कहती हैं कि जो पुरुष है ना वो हमारे बारे में चाहे जो सोचे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि वो हमारा मुकाबला साइकिल चलाने में नहीं कर सकते, वो हमारी बराबरी साइकिल चलाने में नहीं कर सकते। वो साफ साफ कहती है कि पुरुष वर्ग हमारे बारे में जो चाहे समझे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस बारे में उनका कहना यही था कि वो कुछ भी कर ले, लेकिन वो हमारी बराबरी साइकिल चलाने में अब नहीं कर सकते। तो बच्चों यही ये प्यारा सा पाठ था, जहाँ पहिया है पी साईनाथ जी ने इसको लिखा था। आज ये पाठ खत्म होता है बच्चों, हमारा समाप्त होता है। इन वीडियो को ध्यान से सुनना, पाठ को अच्छे से पढ़ना, आपके पास पाठ्य पुस्तक है, प्यारा सा पाठ जब आप पढ़ोगे बहुत अच्छा पाठ लगेगा आपको। आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय बच्चों।